हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक्सेटिव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करिए और शेयर कीजिए। आज मैं लेके आई हूँ बाल विकास से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो टेट के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेस्काय, सुडोलकाय, गोलकाय या उपरोक्त सभी? तो क्रेशमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है, क्रेस्काय, सुष्टकाय, स्थूलकाय। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभि क्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य? तो TAT का उद्देश्य अभि क्षमता का मापन करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अभि क्षमता। अगला क्वेश्चन, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता? तो संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है या मस्तिष्क में सूचनाओं का संचयन से संबंधित है? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय? बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? तो इसका राइट आंसर होगा बीने साइमन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम? तो तनाव का नियम, अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम है, जिसे थार्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनाव का नियम। नेक्स्ट, डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की बिल्ली पर थार्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा एवं बंदर पर कोहलर एवं कोफा ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूज से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा। प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका है, ये माध्यिका नहीं होगा, ये होगा माध्य। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंकों का कुल योग बटे संख्या। अंकों का कुल योग यानी 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 अपॉन कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको ऐड किया तो आ गया 57/6, तो राइट आ गया 9.5। तो इसका राइट आंसर होगा 9.5। अगला क्वेश्चन है, सूज या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी या स्किनर? तो इसका राइट आंसर होगा गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक। अधिगम से संबंधित सूच या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है, जिसमें वॉल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफा प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, मैकडूवल के अनुसार मुख प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, करुणा, कामुकता आदि। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष की मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु दी हुई है 8/5 इंटू 100 इक्वल टू 160। इसका राइट आंसर हो जाएगा 160। कौन सी बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों को प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49, 35 एवं निम्न। तो मंद बुद्धि वाले बालकों की IQ लेवल होता है 81 से 90 के बीच, और समान बुद्धि वालों के होते हैं 91 से 110। इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रोशर्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसने मापन हेतु किया था? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। रोशर्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया गया है। यह एक प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण हर्बन रोर्सा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है सांख्यिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठा या अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। एक उत्तम परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, प्रामाणिकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यवहारिकता आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एंड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण तथा खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100 या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अभी मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अगला क्वेश्चन, चिंतनशील सोच की चर्चा में इनमें से किसने की है? ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर। तो जॉन ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 ईस्वी में दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूवी। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, विस्मरण है, स्मरण है, धारण है या चिंतन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन है। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा या जन्मजात व प्राकृतिक होती है या केवल कलाकारों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों में या जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।